गुरुग्राम में बदमाश बेखौफ है। सेक्टर 14 इलाके की ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी में बदमाशों का बेखौफ चेहरा दिखाई दिया। जरा इन तस्वीरों को देखिए। दिन दहाड़े बीच सड़क पर युवक को गोली मार दी जाती है और उसका बैग लूट लिया जाता है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो बाइक साथ साथ सड़क पर नजर आ रही है। पहली बाइक पर एक व्यक्ति है और दूसरी पर तीन लोग सवार हैं। अचानक दूसरी बाइक पर बैठे तीन लोगों में से एक पिस्टल निकालकर पहली बाइक पर सवार युवक को गोली मार देता है, जिसके बाद युवक बाइक लेकर गिर जाता है। तीनों बदमाशों में से दो बाइक से उतरते हैं और युवक को फिर गोली मार देते हैं। तीसरा बदमाश बाइक को स्टार्ट रखता है। दोनों बदमाश गोली मारने के बाद युवक का बैग छीन लेते हैं और इसके बाद तीनों बदमाश बाइक से फरार हो जाते हैं। बाइक पर जा रहे थे लोग और जैसे हमने तो वो जानी जो मोटरसाइकिल में फटाके से चलते नहीं है बुलेट के जाने दिए। तो जैसे ही मैंने आवाज देखी और वो भागने लगे, जैसे ही बैग छीना और बैग छीन के वो भागे, वो हाथ जोड़ रहा था भाई मेरे बैग छोड़ दो, बैग ले जाओ और मेरी जिंदगी छोड़ दो। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक का नाम दीपक बताया जा रहा है, जो मोबाइल शॉप से कैश कलेक्शन का काम करता था। अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और भरोसा दे रही है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। दीपक नाम का लड़का है जो मोबाइल फोन रिचार्जेस की कलेक्शन करता है। जैसे आप और हम मोबाइल रिचार्ज करा लेते हैं, उसकी कलेक्शन के लिए आया था यहाँ और इसके ऊपर अटेम्प्ट हुआ है लूट का और इसको गोली लगी है। अभी मेदांता में दाखिल है, डीसीपी वेस्ट वहाँ गए हैं और हम ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको वर्कआउट करने में लगे और उम्मीद है कि जल्दी वर्कआउट। इस वारदात से साफ है कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस के सामने चुनौती है कि वो कैसे बढ़ते अपराधों पर काबू पाती है। R9 TV के लिए गुरुग्राम से मोहित कुमार नवीन की रिपोर्ट।